हाय ऑल, वेलकम टू द चैनल डेली नीड। आज जो है यहाँ पे मैं अपने डिशवॉशर का जो है रिव्यू कर रही हूँ, जो इसमें ऑनेस्ट रिव्यू मैं बताऊँगी जो जो चीज़ें मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है इसमें। और ये जो मेरा मॉडल है वो नेपट्यून SX115 प्लेस सेटिंग डिशवॉशर का है। डिशवॉशर पे जो है 2 ईयर्स की जो है वारंटी दे रखी है और 8 ईयर्स की जो है स्पेयर पार्ट्स की वारंटी है। इसमें जो है 2 पाइप है, ये देखिए ये वाला इनलेट है। इस मॉडल के साथ दूसरा आया था लेकिन जो इंस्टॉलेशन के लिए आए थे वो ये बड़ा पाइप लगा के गए हैं और ये आउटलेट पाइप है। अब आते हैं इस पैनल की तरफ। तो इस IFB डिशवॉशर में जो है 8 वॉश प्रोग्राम दे रखा है। सबसे पहला वाला जो बटन है उसमें प्रोग्राम हम सेट करते हैं। इसमें जो है हाफ लोड लिखा हुआ है। हाफ लोड का मतलब अगर सिर्फ ऊपर वाले शेल्फ पे अगर हम बर्तन धो रहे हैं तो उसको हाफ लोड माना जाएगा। तो अगर आप सिर्फ ऊपर रख के, बहुत कम बर्तन है और सिर्फ ऊपर वाले शेल्फ पे रख के धोएंगे तो वो हाफ लोड आप वहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर आप टाइमिंग कुछ लगाना चाहते हैं और आप कहीं जा रहे हैं और डिले टाइमर कर सकते हैं इसके अंदर। फिर जो है पैनल दिया हुआ है टैबलेट का। अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पर टैबलेट का बटन दबा दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि और एक्स्ट्रा हाइजीन जो है आपके बर्तनों में रहे तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा हाइजीन का भी बटन दिया हुआ है। और अगर एक्स्ट्रा रिंस भी मतलब आप करना चाहते हैं कि एक दो बार और वॉश हो मेरा यूटेंसिल्स, तो आप एक्स्ट्रा रिंस का भी बटन वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्या क्या 8 प्रोग्राम्स यहाँ पे दे रखे हैं वो मैं यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ। तो जैसे ही डिशवॉशर हम ऑन करते हैं तो 2 आवर्स 51 मिनट का जो है ये साइन आता है। तो आप जिस भी उस टाइमर पे रखना चाहें अपना डिशवॉशर, तो उस हिसाब से जो है आपके डिशेस वॉश होंगे, उतना देर जो है उस डिशेस को धोने में लगाएगा ये डिशवॉशर। आपके बहुत सारे जो हैं यूटेंसिल्स अगर बहुत दिन से रखे हुए हैं और उसको एक बार आप रिंस करना चाहते हैं तो 15 मिनट्स पे उनको आप लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर जो है ये 50 मिनट का ही प्रोग्राम यूज़ करती हूँ, लेकिन जिस दिन नॉनवेज बनता है उस दिन जो है मैं अपने डिशवॉशर को 1 आवर 30 मिनट पर लगा लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मेरे डिशवॉशर में जो है लाइट का भी ऑप्शन दे रखा है इस मॉडल में। और ये जो है कटलरी ट्रे है, इसमें जो है मैं अपने सारे कटलरी लगाती हूँ। और ये जो सेकंड वाला शेल्फ है इसमें जो है आप अपने सॉसर, छोटे कप्स या छोटे जितने भी बर्तन हैं इसमें रख सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा जो है सॉसर के लिए दे रखा है पैनल, तो आप इसमें जो है आप इसमें छोटी प्लेट, ये देखिए ये सब मैं लगा के दिखा रही हूँ कि इसमें जो है छोटी प्लेट वगैरह जो है लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो पैनल बंद कर दीजिए और वहाँ पे जो है अपने छोटे जो बाउल्स वगैरह होते हैं या बड़े बाउल्स भी होते हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये जो है एक छोटी छोटी ट्रे दे रखी है साइड में शेल्फ़ टाइप का, उसमें जो है आप ऊपर नीचे करके अपने बाउल्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी स्पेस जो है ज़्यादा बढ़ जाती है और आप अपने एक्स्ट्रा बर्तन जो है इसमें लगा सकते हैं जिस हिसाब से भी। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो ये सारी ऑप्शंस जो है बहुत अच्छे हैं। इसमें छोटे कटलरी वगैरह भी आप उसमें जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ये अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे वाला शेल्फ मेनली प्लेट्स और बड़े बर्तनों के लिए होता है, तो यहाँ पर अपने सारे बड़े बर्तन लगा लीजिए। ये पैनल जो है आप इसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला जो है आप इसको खोल और बंद दोनों कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है एक्स्ट्रा प्लेट लगाने की तो खोल कर आप एक्स्ट्रा प्लेट लगा लीजिए, नहीं तो यहाँ पर सारे बड़े बर्तन ही एडजस्ट करते हैं। अब आते हैं डिटर्जेंट स्लॉट के तरफ। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर टैबलेट या डिटर्जेंट डालते हैं और दूसरे, और इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। मेनली इसको ओपन ही रखना पड़ता है, लेकिन जब आप डिटर्जेंट डालेंगे तो इसे बंद करना रहता है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं स्लॉट, इसमें जो है रिंसेड हम डालते हैं। रिंसेड इसलिए डालते हैं ताकि जो है यूटेंसिल्स जो हैं उसमें जो है एक चमक बनी रहे। अब मैं आप लोगों को अंदर की तरफ दिखाती हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है अंदर की तरफ। तो ये 2 फ़ैन दे रखे हैं जिनसे जो है पानी निकलता है और हमारा यूटेंसिल्स वॉश होता है। और ये जो फ़ैन है ये बिल्कुल फ्री मूव होना चाहिए जब अपने यूटेंसिल्स रखें, तो एक बार चेक कर लें, नहीं तो ये फ़ैन जो है टूटने का डर रहता है।
तो एक बार चेक करके ही यूटेंसिल्स अपने जो है डिशवॉशर को बंद करें। और ये फिल्टर दिया हुआ है, इसको हर 15 डेज़ या 10 डेज़ पे जो है वॉश करना रहता है। यहाँ पर जो है स्लॉट दिया हुआ है सॉल्ट का, तो ये जो है सॉल्ट आप यहाँ पे डालेंगे। सॉल्ट इसलिए देते हैं क्योंकि ताकि आपकी जो हार्डनेस है वाटर की वो जो है कम रहे, और उससे जो है आपके यूटेंसिल्स जो है वो ख़राब ना हो। तो ये देखिए ओवरऑल लुक मैं दिखा रही हूँ अपने डिशवॉशर का। सबसे पहले कटलरी, उसके बाद छोटे बाउल्स रखने के लिए शेल्फ, उसके बाद नीचे की तरफ बड़े बर्तन और प्लेट्स वगैरह रखने के लिए। अब आती है बारी कि कौन से जो है यूटेंसिल्स इसमें नहीं धुलते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि चाय का बर्तन जितना भी मैं सुबह से इसको जो है भिगो के रख लूँ, लेकिन वो आखिरी में कुछ ना कुछ उसमें लगा ही रहता है। तो उससे मैंने बेटर है कि मैं अपने हाथ से ही इसको धो लूँ। तो ये एक मैंने देखा है कि चाय का बर्तन बहुत ज़्यादा इसमें क्लीन नहीं हो पाता है, बाकी सारे बर्तन इसमें बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। और अगर आपके कोई यूटेंसिल्स जो है जल जाता है तो इससे बिल्कुल उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि जले हुए बर्तन आपके हाथ से जल्दी नहीं साफ़ होते, तो इलेक्ट्रिक पे चलने वाली मशीन क्या साफ़ करेगी। तो इस वजह से जले हुए बर्तन को जो है इसके अंदर बिल्कुल भी मत रखिएगा। और ये दो बर्तन बस जो है इसमें साफ़ नहीं होते, इस तरह के बर्तन, एक चाय के और एक जले हुए बर्तन, बाकी सारे बर्तन बहुत ज़बरदस्त क्लीन होते हैं। ये स्टेनर वगैरह जो है इस डिशवॉशर में बहुत ज़बरदस्त साफ़ होके आते हैं। तो वही मैं दिखा रही थी कि इतना गंदा स्टेनर है, लेकिन जब ये वॉश हो जाएगा तो बहुत चमकता हुआ एकदम बाहर निकल कर आता है। और यहाँ पर जो है सारे बर्तन आपको उलट कर ही लगाने होते हैं, और एक के ऊपर एक बर्तन भी ना रखिएगा। वो अगर एक दूसरे के ऊपर रख देंगे बर्तन, तो नीचे वाला बर्तन या उसके ऊपर वाला बर्तन कुछ भी क्लीन नहीं होगा। और ये देखिए दूध का पतीला, थोड़ा सा रिंस करके ही जो है अपने सारे बर्तन को डिशवॉशर में डालती हूँ। मुझे थोड़ा डर रहता है कि ऐसा ना हो कि क्लॉग वगैरह हो जाए, तो फिर कंप्लेन करो और किसी को बुलाते रहो और उनका वेट करते रहो। तो इस वजह से थोड़ा अपने एहतियात के लिए मैं चीज़ें जो है वॉश करके हल्का ही इसमें रिंस करके डालती हूँ। आप नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ होकर ही बाहर आते हैं। और यहाँ पर जो है सब बर्तनों को मैंने लगा लिया है, और इसको जो है ये देखिए ये स्पून है, मैं इसको हमेशा जो है अपने सब्ज़ी बनाने में यूज़ करती हूँ। बिल्कुल तेल वाला ये स्पून हो जाता है, लेकिन सुबह मैं आपको जब डिश वॉशर में मेरे सारे बर्तन धुल जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कितना ज़बरदस्त ये साफ़ हुआ। अब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि हाइट एडजस्टेबल है ये शेल्फ, मैं शुरू में दिखाना भूल गई थी। अगर आप जैसे नीचे बड़े बर्तन रख रहे हैं और इस शेल्फ़ के फ़ैन से वो अड़े नहीं, तो इस वजह से इसको जो है थोड़ा सा अप कर लीजिए, तो वो जो है फ़ैन आपका जो है टूटने का चांस नहीं रहता है। इस वजह से ये हाइट एडजस्टेबल शेल्फ दे रखा है। इस स्लॉट में जो है अब मैं सर्फ डाल के इसको जो है रनिंग पे लगाने वाली हूँ। सर्फ की भी कुछ प्रॉब्लम मैंने इसमें फेस की थी, तो वो भी मैं अभी आगे आप लोगों से शेयर करूँगी। इसको मैंने लगा लिया है 50 मिनट्स के जो है साइकिल पर। मैं जब वेज बनाती हूँ तो 50 मिनट के ही साइकिल यूज़ करती हूँ। और एक और इसमें जो है मैं आप लोगों को बता दूँ डिशवॉशर में, कि जैसे आप कोई भी यूटेंसिल्स आप रखना भूल गए हैं और बीच में खोल के रखना चाह रहे हैं, तो आप जो है बेशक इसको खोल कर और अंदर जो है यूटेंसिल्स को रख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि साइकिल्स जो है फिर से रीस्टार्ट नहीं होगी, जहाँ से आप स्टॉप करेंगे वहीं से जो है डिशवॉशर चलेगा, जैसे हमारे वॉशिंग मशीन में होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिसमें ये प्रॉब्लम आती है, तो एक बार आप चेक करके ही अपना ब्रांड चूज़ करिएगा, फिर ऐसा ना हो कि साइकिल फिर से रीस्टार्ट हो जाए पावर कट होने पे या कभी बीच में ऐसे खोलने पर। से आपका पैसा, टाइम और एनर्जी तीनों ही वेस्ट होगी, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं आप लोगों को उससे मेंशन कर दूँ। अब आते हैं डिटर्जेंट की तरफ, जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया था शुरू शुरू में डिटर्जेंट को लेकर। जो इंस्टॉलेशन वाले आए थे, मुझे कोई एटॉमिक ब्रांड का उन्होंने जो है डिटर्जेंट दे के चले गए थे, और उसका चार्ज भी लिया था उन्होंने। लेकिन डिशवॉशर को लेने के बाद मैं 2 दिन तक बिल्कुल सदमे में थी कि ये तो साफ़ ही नहीं कर रहा है मेरे बर्तनों को, इतनी महंगी मशीन ले लिया मैंने। एटॉमिक डिटर्जेंट के बारे में मैंने ऑनलाइन जो है रिव्यू उसका देखा अमेज़ॉन पर, तो उसके रिव्यू बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो फिर ये फिनिश की टैबलेट मैंने मंगवाई। फिनिश की टैबलेट जब आई तो मेरा यूटेंसिल बहुत ज़बरदस्त साफ़ होने लग गया। नो डाउट बहुत अच्छा ये टैबलेट है, लेकिन जो कॉस्ट है इसकी मुझे बहुत महंगी पड़ रही थी।
तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम और देखा जाए अमेज़ॉन पर। तो ये फॉर्च्यून का डिटर्जेंट मुझे नज़र आया, इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे थे, तो फिर मैंने जो है ये फॉर्च्यून का डिटर्जेंट मंगा कर चेक किया, तो मेरे यूटेंसिल्स इससे भी बहुत अच्छे धुल रहे थे। तो जब मैं वेज बनाती हूँ तो मैं ये डिटर्जेंट यूज़ कर लेती हूँ फॉर्च्यून का, और जब नॉन वेज बनाती हूँ तो ये फिनिश की टैबलेट यूज़ कर लेती हूँ। किसी भी ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा चैनल उस लेवल पर है ही नहीं कि जहाँ पर किसी चीज़ का प्रमोशन किया जाए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। रिनसेड में हमेशा फॉर्च्यून का ही मंगा रही हूँ अभी इधर बीच 4-5 महीने से, और सॉल्ट जो है फॉर्च्यून का मंगाया था शुरू में मैंने, और फिनिश का भी सॉल्ट मैंने मंगा के रखा हुआ है। तो जैसे नीड होगा, बहुत ज़्यादा मेरे तरफ जो है सॉल्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो है वाटर की हार्डनेस इतनी है नहीं यहाँ डिब्रूगढ़ में। ये सारे मेरे एक्सपीरियंस रहे रिगार्डिंग डिटर्जेंट एंड टैबलेट। हमेशा जो है डिटर्जेंट और कोई भी टैबलेट या कोई भी डिटर्जेंट आप यूज़ करें तो राइट चॉइस करें, नहीं तो फिर डिश वॉशर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो आपके जो है डिटर्जेंट या टैबलेट की ही प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि नॉनस्टिक बर्तन को क्यों मना किया जाता है डिश वॉशर में रखने के लिए। तो ये कुकर के लिड है और इस पर नॉनस्टिक की कोटिंग थी, जो अब डिश वॉशर में शुरू शुरू में रखने लगी थी और ये उतरने लगी, तो और इसका एलुमिनियम जो है बिल्कुल बाहर नज़र आने लगा है। अब मैं इसको नहीं रखती, तो ये मुझसे गलती हुई है, आप लोग ना करिएगा, और कोशिश करिए कि स्टेनलेस स्टील का ही बर्तन यूज़ करिए डिश वॉशर में, के बर्तन बहुत ज़बरदस्त इसमें साफ़ होते हैं डिश वॉशर में। सारे ही बर्तन वगैरह सब कुछ अभी मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ कि कितने चिकने सारे मेरे बर्तन थे, और सब जो है ये देखिए स्टेनर को, ये बिल्कुल स्टेनर तो बहुत ही अच्छा साफ होके आता है बाहर। ये देखिए कढ़ाई कितनी अच्छी साफ़ हुई है, पूरा इसमें ऑयल लगा हुआ था, इसमें जो है रोज़ मैं सब्ज़ी बनाती हूँ अपनी, कुकर वगैरह इसमें जो है मैं अपने राइस बनाती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा साफ़ हुआ है ये सारे बर्तन। ये नहीं कह रही कि आप IFB का ही डिश वॉशर लीजिए, आप कोई भी ब्रांड लीजिए, तो डिश वॉशर तो एक ही ऐसे ही साफ़ करेगा, लेकिन अच्छे ब्रांड का लीजिएगा और उसमें ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उसमें जो है साइकिल जो है रीस्टार्ट ना हो, क्योंकि पावर कट सप्लाई जो है यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पावर कटने की, चाहे कितने भी मेट्रो सिटी में आप रहें तो पावर तो एक बार ना कभी तो चला ही जाता है। तो इस वजह से जो है वो ऐसा ना हो कि फिर से वो रीस्टार्ट हो और आपका टाइम एनर्जी और मनी वेस्ट हो। IFB के डिश वॉशर से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही अच्छा ये भी ब्रांड है। इसकी जो है मेरे पास वॉशिंग मशीन है फ्रंट लोडिंग, वो भी बहुत अच्छी चलती है। तो लेकिन पहला हमारा चॉइस जो था डिश वॉशर में वो था बॉश का लेना, लेकिन यहाँ पर डिब्रूगढ़ में जो है हमारे यहाँ सर्विस नहीं है बॉश की, इस वजह से जो है हमने जो है IFB चूज़ किया है, लेकिन इससे भी जो है हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। और ये देखिए ये पतीला दूध का कितना अच्छा साफ़ होकर आया है बाहर, और ये कुकर वगैरह बहुत ज़्यादा जिस दिन चिकना हो जाता है, मैंने बताया मैं उस दिन टैबलेट रख लेती हूँ डिश वॉशर में, और नहीं तो बाकी दिन जो है मैं सर्फ ही यूज़ करती हूँ, ताकि जो है थोड़ा मैनेजेबल रहे, क्योंकि एक क्योंकि 24 टैबलेट जो है फिनिश की आती है 100 के अबव, तो इस वजह से जो है मैंने जो है अल्टरनेट भी जो है इसका चूज़ किया फॉर्च्यून डिटर्जेंट मंगा के। आपकी अपनी चॉइस है, तो आप अपने हिसाब से जो है आपका अपना चॉइस अपनी बजट है, तो उसके हिसाब से जो है आप इसमें जो है डिटर्जेंट चाहे टैबलेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत शुक्रिया, लाइक भी करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।